हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट से यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं सालसार टेक्नो लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसके बारे में एक बहुत ही धमाकेदार न्यूज़ निकल के आती हुई दिखाई दे रही है। और वो धमाकेदार न्यूज़ ये है कि इस कंपनी ने बहुत ही कम प्राइस पे ये शेयर अलाट करते हुए दिखाई दे रही है। तो ये किनको शेयर ये अलाट करते हुए दिखाई दे रही है और कितने प्राइस पर शेयर ये अलाट करते हुए दिखाई दे रही है, इसके बारे में हम पूरे इस वीडियो में डिटेल से देखने वाले हैं और जानने की कोशिश करने वाले हैं कि ये जो शेयर अलॉटमेंट हुए हैं उसका क्या प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है मार्केट के ऊपर। क्या मार्केट ने इसे पॉजिटिव लिया है या निगेटिव। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देर के वीडियो शुरू करते हैं और जो न्यूज निकल के सामने आई है उसे पूरा डिटेल से देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो एक तरफ जहां 3 मई को मार्केट जब बंद हुआ है तो निफ्टी में लगभग 172 पॉइंट की गिरावट देखी जा रही है और निफ्टी में एक तरीके से तूफान सा आया हुआ था। लेकिन इस तूफान में भी ये जो शेयर है सालसार टेक्नो वो डटा रहा, और ये इसलिए डटा रहा क्योंकि इस कंपनी के बारे में जो पॉजिटिव न्यूज़ निकल के सामने आई है वो अच्छी खासी न्यूज़ मानी जा रही है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसमें लगभग 1% की गई और 20 रुपये 45 पैसे पर ये फिलहाल बंद होता हुआ दिखाई दिया है 3 मई को। अब हम अगर बात करें 5 दिन के चार्ट पैटर्न की, तो 5 दिन में हालांकि इसमें लगभग 3% की गिरावट देखी जा रही है, लेकिन अगर हम बात करें 1 महीने के चार्ट पैटर्न की तो इसमें 11% की गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम बात करें 6 महीने के चार्ट पैटर्न की, तो 6 महीने में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डरों को 120% का रिटर्न निकाल के दे दिया है, जो ये बता रहा है कि ये जो कंपनी आने वाले समय में अच्छा खासा और रिटर्न निकाल के देते हुए दिखाई दे सकती है। क्योंकि ये जो कंपनी जिस क्षेत्र में काम करती है उसके बारे में हमने एक फुल वीडियो बनाया हुआ है कि ये कंपनी आखिर कौन सा काम करते हुए दिखाई देती है, इस कंपनी का मार्केट कैप कितना है, इसका कंपटीटर कौन है, इन सब चीज़ों पे हमने पूरी डिटेल से उस वीडियो में चर्चा करी हुई है। उसको हम इसके इंड स्क्रीन में दे देंगे, आप वहाँ से जाके इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी निकाल के देख सकते हैं। वही अगर हम बात करें एयरटेल डेट की, तो ये जो कंपनी है लगभग 53% के आसपास रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आ रही है। जबकि बात करें 1 साल के चार्ट पैटर्न की, तो 1 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को जबरदस्त रिटर्न निकाल के दिया है और ये 135% का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आई है। वहीं अगर हम बात करें मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी लिस्ट होते हुए दिखाई दी थी 2017 में 2 रुपये 49 पैसे पे, तब से 721% का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आ रही है। और इसके बारे में एक चीज़ और आपको बता दूँ कि ये जो GTL इंफ्रा लिमिटेड कंपनी है उसकी एक बहुत बड़ी कंपटीटर के रूप में बन के निकल के आते हुए दिखाई ये कंपनी दे रही है। अगर बात करें जो ये न्यूज निकल के सामने आई है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है इसने अनाउंसमेंट या न्यूज़ निकाल के देते हुए नज़र आ रही है। और ये जो न्यूज़ निकल के सामने आई है ये 30 अप्रैल को आते हुए दिखाई दे रही है, और 30 अप्रैल को ये बोर्ड मीटिंग हुई थी और उसी में कुछ फैसला होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो प्रेफरेंशियल डिटेल से संबंधित न्यूज़ें भी निकल के आते हुए दिखाई दे रही हैं, तो चलिए हम इसे एक एक करके देख लेते हैं। तो दोस्तों, आप यहां पर देख रहे हैं कि 30 अप्रैल का इस पे डेट पड़ा हुआ है और 30 अप्रैल को एक बोर्ड मीटिंग होते हुए भी दिखाई दी थी। तो इस बोर्ड मीटिंग में क्या क्या फैसला लिया गया है इसे ये आगे बताते हुए नज़र आ रहे हैं। अब हम अगर बात करें जो जिन न्यूज़ पर ये चर्चा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, 3 टॉपिक पे ये चर्चा करते हुए दिखाई दे रहे हैं उनकी, तो इसमें जो पहली टॉपिक है वो ये कि ये जो कंपनी है वो जो पब्लिक कैटेगरी में और प्रमोटर ग्रुप के साथ साथ जो नॉन प्रमोटर ग्रुप हैं उन्हें इक्विटी शेयर अलॉट तो करते हुए दिखाई दे रहे हैं, साथ ही साथ ये जो फुली कन्वर्टेबल जो वारंट्स हैं वो भी प्रेफरेंशियल बेस पर ये जारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसके संदर्भ में जो 19 फरवरी को जो एक्स्ट्रा जनरल मीटिंग रखी गई थी उसी में ये निर्णय लेते हुए दिखाई दिए थे, और साथ ही साथ जो BSE के अलावा जो NSE पे ये इनका जो अप्रूवल मिलता हुआ दिखाई दिया था वो 12 अप्रैल और 15 अप्रैल को मिलता हुआ दिखाई दिया था। और इसके अलावा यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो अलॉट करने वाले हैं इक्विटी शेयर वो टोटल 11,57,43,890 शेयरों का ये अलॉटमेंट करते हुए दिखाई देने वाले हैं, जो प्रमोटर के साथ साथ जो नॉन प्रमोटर ग्रुप हैं और पब्लिक कैटेगरी में। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि जो कंपनी है अच्छा खासा शेयर का अलॉटमेंट करते हुए दिखाई दे रही है, और इससे जो इनको प्राइस प्राप्त होने वाला है वो लगभग 170 करोड़ की टोटल फंड रेजिंग करते हुए ये दिखाई देने वाले हैं, जिसके बारे में यहाँ बताते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 169,42,70,290 रुपये का ये टोटल इनको प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है टोटल 170 करोड़ की फंड रेजिंग
एडवर्टाइजिंग करते हुए दिखाई देने वाली है। के अलावा 30 अप्रैल के जो मीटिंग हुई है उसमें एक चीज पे और चर्चा करते हुए दिखाई दिए हैं और ये जो चर्चा करे हैं वो ये कि इनके संदर्भ में एक मॉनिटरिंग एजेंसी का भी अपॉइंटमेंट कर दिया गया है और ये जो मॉनिटरिंग एजेंसी अपॉइंटमेंट हुई है वो केयर रेटिंग जो लिमिटेड कंपनी है उसे ये अपॉइंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है जो इक्विटी शेयर जारी करी है उसके मॉनिटरिंग के लिए ये एक मॉनिटरिंग एजेंसी भी हायर करते हुए दिखाई दे रही है। अब हम अगर बात करें कि ये जो इन्होंने शेयर जारी करा है वो किनको कितना शेयर ये जारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है फिलहाल पहले जो नॉर्थ अपॉर्चुनिटी फंड है उसे ये 5,13,00,000 शेयर जारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो इंस्टीट्यूटिव अल्फा इन्वेस्टमेंट फंड है उसे 75,00,000 शेयर ये जारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो पार्जल जो भंडारी हैं उन्हें जो 50,00,000, साथ ही साथ जो मरिको कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड उसे 50,00,000, जो पंकज कुमार गुप्ता है उन्हें 34,00,000, जो एक्स कैप जो इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड है ये 12,00,000 और रवि अग्रवाल को फिलहाल ये 25,00,000। और ऐसे ही आप देखते चले जाइए कि कितने ये लोगों को ये इक्विटी शेयर प्रेफरेंशियल बेस पे जारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें 25,00,000, 20,00,000, 15,00,000, 12,00,000, 12,50,000, 12,50,000 के साथ साथ ये 10,00,000 की कैटेगरी है और इसके बाद 5,50,000 और 5,00,000 की कैटेगरी यहाँ दिखाई दे रही है और इसके अलावा 5,00,000, 2,50,000 इन सब चीज़ों में ये शेयर जारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ भी जो दूसरी स्लाइड है इसमें भी आप देख सकते हैं कि इस कंपनी के बारे में बताया गया है कि ये जो करम संघवी हैं उन्हें भी 5,00,000 शेयर जारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं और लास्ट में 70,000 शेयर भी जारी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि 5 करोड़ से लेके और 70,000 शेयर जारी करते हुए ये दिखाई दे रहे हैं और ये जो 11,57,43,890 शेयरों का ये जो जारी हुए हैं अलॉटमेंट हुए हैं वो फिलहाल टोटल 77 लोगों में ये अलॉटमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें कंपनियाँ भी शामिल हैं, इंडिविजुअल इन्वेस्टर भी शामिल है और साथ ही साथ जो प्रमोटर और नॉन प्रमोटर ग्रुप है वो भी शामिल होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो पब्लिक ग्रुप है वो भी शामिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं ये आगे बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो शेयर जारी हुए हैं जो इश्यू हुए हैं वो कितने प्राइस पे ये इश्यू होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये 14.40 रुपये पे ये टोटल इक्विटी शेयर ये जारी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि बहुत ही कम प्राइस पे ये फिलहाल इक्विटी शेयर जारी हुए हैं और ये जो इक्विटी शेयर जारी हुए हैं जो वारंट जारी हुए हैं इससे जो सबसे बड़ा फायदा होने वाला है ये जो प्रमोटर ग्रुप हैं इन्हें तो होने वाला ही है, जो नॉन प्रमोटर और पब्लिक कैटेगरी है उन्हें भी होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि वर्तमान में ये जो कंपनी 20 रुपये के आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है और ये फिलहाल लगभग 14.50 रुपये के आसपास ये इक्विटी शेयर जारी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि अभी ही इन्हें लगभग 5.50 रुपये का फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम अगर बात करें कि प्रमोटर ग्रुप में कौन कौन से लोग हैं और नॉन प्रमोटर पब्लिक कैटेगरी है उसमें ये कितना शेयर जारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि जो शशांक अग्रवाल हैं, सलभ अग्रवाल हैं और भारत अग्रवाल हैं, ये तीनों के तीनों जो है प्रमोटर ग्रुप में आते हैं और इन्हें टोटल जो है 2,11,80,000 शेयरों का यानी वारंट का अलॉटमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो नॉन प्रमोटर पब्लिक कैटेगरी है उसमें जो सेसस ग्लोबल अपॉर्चुनिटी फंड है उन्हें फिलहाल 6.5 करोड़ के आसपास वारंट ये जारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे आप कह सकते हैं कि इन्हें जो टोटल वारंट जारी हुए हैं ए और बी प्लस दोनों मिला के वो 8,61,80,000 टोटल ये वारंट ये जारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस हिसाब से आप कहा जा सकता है कि जो प्रमोटर हैं, जो पब्लिक है और इसके अलावा जो नॉन प्रमोटर ग्रुप हैं, इन तीनों की भागीदारी अब जो है बढ़ते हुए दिखाई देने वाली है इस शेयर में और साथ ही साथ इसमें अब ऑपरेटर की भूमिका में ये जो नॉन प्रमोटर ग्रुप हैं और जो पब्लिक कैटेगरी हैं वो आते हुए दिखाई देंगे। इसलिए जो रिटेल
इन्वेस्टर उनसे एक चीज कहना चाहेंगे, इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिएगा और साथ ही साथ इस कंपनी के बारे में पूरा डिटेल निकालने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिएगा। और जब भी इन्वेस्टमेंट करिएगा उससे पहले इसका जो क्वालिटेटिव जो फंडामेंटल्स हैं उसे तो जानिएगा ही, जो क्वांटिटेटिव जो फंडामेंटल्स हैं उसे भी जानने का प्रयास करिएगा। और इसके बारे में जो इसका फुल एनालिसिस संबंधित वीडियो है उसको हमने भी बनाया हुआ है, इसको हम इसके स्क्रीन में दे देंगे, वहां से जाके आप देख सकते हैं कि ये जो कंपनी किस क्षेत्र में और कौन कौन से काम करते हुए दिखाई देती है। अब हम अगर बात करें इसके डिलीवरी पोजीशन की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है वो फिलहाल जब 3 मई को मार्केट बंद हुआ है तो उसमें ये टोटल जो क्वांटिटी ट्रेड होते हुए दिखाई दे रही है, लगभग 11 लाख शेयरों की टोटल ट्रेडिंग हुई है BSE पे और इसमें से लगभग 47% ही डिलीवरी उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो ये बता रहे हैं कि इस कंपनी में जब 3 मई को ट्रेडिंग हुई है उसमें जो ट्रेडर हैं वो लगभग 53% हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं और प्रॉफिट बुक करते हुए निकल के सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि जो इन्वेस्टर हैं वो मात्र 47% ही इसमें डिलीवरी उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस कंपनी के बारे में एक चीज और बता दूं कि ये जो कंपनी अभी भी एक पेनी शेयर के रूप में काम करते हुए दिखाई देती है, एक स्मॉल कैप कंपनी के रूप में काम करते हुए दिखाई देती है, इसलिए ये कंपनी बहुत ही ज्यादा रिस्की होते हुए भी देखने को मिलती है इसमें। इसलिए इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले थोड़ा सा सावधानी से आगे बढ़ने की कोशिश करिएगा। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन करना तो बिल्कुल ना भूलें ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स आपको ऐसे ही समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।